वॉइस क्लियर है बच्चों? वॉइस क्लियर है? यस, ओके ओके, थैंक यू अर्पिता। तो कल की क्लास में लोगों ने तो देखा था, ये रेशियो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे ना, ड्राई हैबिट फिनोटाइप रेशियो। आप लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उस चीज को। -3:3:1, ये आपका फिनोटाइप रेशियो आया होगा। हेलो राउंड, हेलो रिंकल, स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर स्क्रीन नहीं आ रही है, लोडिंग आ रही है स्क्रीन में। अब आ रही स्क्रीन? ठीक है। और ये जो थ्री थे ग्रीन राउंड और ये है ग्रीन रिंकल, तो हम लोगों ने इसको देख लिया था ना पूरा। आप लोगों ने इस तरीके से बना भी लिया होगा पूरा डिस्कशन। अब हम बात कर रहे थे थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, कि क्या मतलब इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स का कंसेप्ट क्या है। तो यही एक कंसेप्ट है जो आपको लिखना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट ये है, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स इनडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर पेयर ऑफ इन एनाफेस फर्स्ट मियोसिस। सो जीन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस विल एसर्ट इनडिपेंडेंटली। देखिए इसको जरा समझिए, आप पॉइंट्स को इसको समझने की कोशिश करें आप लोग। जैसे मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, जैसे मान के चलते हैं ये जो पहला जो कंसेप्ट है उसको ऐसे समझिए, आप एक पेयर बना लीजिए क्रोमोसोम्स का, दिस इज ए वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कम से कम दो पेयर तो बना ही लेते हैं ना, दिस इज अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इस पेयर में मान लीजिए थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको मान लेते हैं पैटर्नल, इसको मान लेते हैं मैटर्नल, क्योंकि हर एक पेयर में वन क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल पेरेंट्स, अनदर क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स। इसमें भी एक को हम पैटर्नल मान लेते हैं और एक को हम लोग मैटर्नल मानते हैं। अब जरा मुझे ये आप लोग बताइए, जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स बनने के लिए सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी। सेल क्या करेगी? मियोसिस। अब मियोसिस में एक बहुत जो जो ये पेयर हैं, ये जो पेयर का क्रोमो सॉरी जो होमोलोगस पेयर का जो सेपरेशन होगा, तो वो सेपरेशन कहाँ होगा? एनाफेस फर्स्ट में होगा बच्चों। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ होगा? एनाफेज फर्स्ट
फर्स्ट में होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनाफेज फर्स्ट में होता है। अब ये बताइए, जब एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन होगा, तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, मान के चलते हैं इस तरीके का अरेंजमेंट है, तो मुझे ऐसा आपको लग रहा होगा कि जो सेपरेशन होगा पहले वाले सेट से पैटर्नल क्रोमोसोम आएगा और दूसरे वाले सेट से भी पैटर्नल क्रोमोसोम आपको एक गैमेट्स में होंगे, और दूसरे गैमेट्स में पहले वाले सेट से मैटर्नल होगा और दूसरे वाले पेयर से आपको मैटर्नल होगा। तो ये सेपरेशन हो गया। अगर मान के चलते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे समझें, अगर ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो, जैसे मान लीजिए दिस इज ए वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज ए अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये इसको पैटर्नल मान लिया, इसको मैटर्नल मान लिया, अब यहाँ पे इसको मैटर्नल ले लिया और इसको पैटर्नल, कुछ नहीं किया हमने, इस जो ये जो पेयर है उसको हमने रोटेट कर दिया, तो ये पैटर्नल नीचे आ गया, मैटर्नल अपर साइड में हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब सेपरेशन होगा, अगर इस अरेंजमेंट में होगा, सेम वही चीज मियोसिस होगी, एनाफेज फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे उसमें देखिए जरा, इस पेयर से पैटर्नल और दूसरे पेयर से मैटर्नल, यहाँ पे इस पेयर से मैटर्नल और दूसरे पेयर से पैटर्नल। आप ये बताइए, इन दोनों को आप एक साथ बोलने की कोशिश करो, मतलब इन दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में बोलने की कोशिश करो। तो पहला पॉइंट ये है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है कि जो ये जो मेटाफेज फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट लिखिएगा आप लोग, मेटाफेज फर्स्ट में जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ मैटर्नल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, वो रैंडम है या फिर नॉन रैंडम है, इसका जवाब दीजिए। ये जो अरेंजमेंट होता है ये रैंडमली होगा या नॉन रैंडम होगा, जल्दी बताइए सभी लोग कमेंट करके। इन मेटाफेज फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ मैटर्नल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम इज रैंडम है, क्योंकि ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये रैंडमली होता है, तभी रैंडमली है, तभी तो कहते हैं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 50% या 50% ये पॉसिबिलिटी होगी। अब बताइए, जब ये दो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो सेपरेशन भी तो गैमेट्स में, सेपरेशन होने के बाद में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी तो रैंडमली होगा। देखो इस वाले केस में देखिए, पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ पैटर्नल कॉम्बिनेशन में गया और दूसरे वाले में मैटर्नल के साथ मैटर्नल है, यहाँ पे देखिए पैटर्नल के साथ मैटर्नल है। यही पॉइंट तो यहाँ पे था, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, दो पॉइंट आप बोल सकते हो यहाँ पे, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इनडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर। जैसे आपको यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे मैंने बना लेते, एक पेयर ये बना लेते हैं और एक पेयर ये बना लेते हैं, ठीक है, हम इनको नंबर दे देते हैं, इसको वन दे देते हैं, टू दे देते हैं, इसको थ्री दे देते हैं, इसको फोर दे देते हैं, ये पहले पेयर में पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, हालांकि ये होमोलोगस हैं और थ्री और फोर आपस में होमोलोगस हैं। अब मुझे जवाब दीजिए, क्या वन के साथ थ्री ही जाएगा, वन थ्री के साथ एसार्ट हो सकता है, वन फोर के साथ भी एसार्ट हो सकता है, टू फोर के साथ भी एसार्ट हो सकता है और टू थ्री के साथ भी एसार्ट हो सकता है, बोलो यस और नॉट, हो सकता है ना, बोलो यस यस,
तभी तो तभी अब समझ में आ गया सभी को। तो ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर पेयर ऑफ द पेयर इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ऐसे अगर और भी पेयर है ना, तो वो हर एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली होता है सेपरेशन के लिए। बताओ होएगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। इसी को बोलते हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज ए नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप सोच रहे हैं सर गैमेट वो है, जो एलील्स वो कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे? जैसे मैं आपसे बताया था कि अगर हम इस जीनोटाइप को कंसिडर करें तो यहाँ पे फोर टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। देर इज ए वन टाइप गैमेट, सेकेंड टाइप ऑफ गैमेट्स, थर्ड टाइप ऑफ गैमेट्स और फोर्थ टाइप ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट चार टाइप के कैसे बन सकते हैं? उनका भी कारण यही हो सकता है। कैसे? कि जो जो ये क्रोमोसोम्स हैं, मान के चलते हैं एक पेयर हम ये ले लेते हैं और दूसरा पेयर ये ले लेते हैं। जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कर सकते हैं। अब देखो जरा, डोमिनेंट एलील के साथ डोमिनेंट एलील कंबाइन हो सकता है। इस पेयर में डोमिनेंट के साथ रेसिसू भी हो सकता है कि यहाँ से डोमिनेंट हो और यहाँ से रेसिसू जाए, यहाँ से रेसिसू, यहाँ से डोमिनेंट, या रेसिसू रेसू, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है एलील का। बोलो बच्चों, बन सकता है। अब ये एलील का कॉम्बिनेशन क्यों बना? क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं ना। होमोलोगस पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, तभी तो उनके उन पे जो जीन्स हैं वो भी तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा स्टार्ट कर में, हो ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये अगर असॉर्ट हो जाए, ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये अगर इसके साथ असॉर्ट हो जाए, और स्मॉल वाई कैपिटल आर बन सकता है अगर ये इसके साथ असॉर्ट हो जाए, और स्मॉल वाई स्मॉल आर बन सकता है इसके साथ। मतलब इसी को हम क्या बोलोगे? इसी को हम बोल सकते हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलोगे क्या? बोलोगे बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दो पॉइंट आपको लिखे होंगे कहीं पे, कि एक तो हो सकता आप ये बोल सकते हो इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम इन मेटाफेज फर्स्ट, ये पॉइंट कह सकते हो। जब इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट है तो उनका सेपरेशन भी तो इंडिपेंडेंट होगा, और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ओवर एन अदर होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। मैं अगर आपसे बताना चाहूँ सिंपल फॉर्म में, आपको सेग्रीगेशन पढ़ाया था, ये लोकस इस लोकस में सेपरेशन, इस लोकस में सेपरेशन, एक दूसरे के जो सेपरेशन हैं एक दूसरे पे क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। समझ में आया सभी को? अब एक कंडीशन और है जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, वो है क्रॉसिंग ओवर। जरा देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं आया। देखो तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शब्द कहीं पे आया बच्चों? नहीं आया। यहाँ पे जो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसका कारण क्या था बच्चों? उसका था रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। आप चाहें तो इसको फिगर से देख सकते हो, ये फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए दिस इज ए मेटाफेज फर्स्ट है ना। अब जरा इसको इसको कंपेयर करिए। हम मान लेते हैं ये एक एक ए मान लेते हैं, दिस इज ए वन वन पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंजमेंट, और इसको मान लेते हैं बी। अब जरा ए और बी को देखिए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ए में जो अरेंजमेंट है और जो बी में अरेंजमेंट है, सेम है या डिफरेंट है? जल्दी बताइए देख करके, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो सेम है या डिफरेंट है? ए के अरेंजमेंट बी के अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट को हम क्या बोलोगे? रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल। मान लीजिए 50% ऐसा हो सकता है, 50% ये चांस हो सकता है, और 50% ये चांस हो सकता है ना, बिल्कुल। तो दिस फिगर रिप्रेजेंट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। अब देखिए अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो आप देखिए जो ब्लू ब्लू क्रोमोसोम हैं वो एक साथ आए, और रेड रेड क्रोमोसोम जो हैं, मतलब रेड फ्रॉम वन पेयर और रेड फ्रॉम अनदर पेयर, एक साथ एसार्ट हो रहे हैं ना, एक साथ कंबाइन होके जा रहे हैं गैमेट्स में। यहाँ पे क्या ऐसा है? यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ब्लू के साथ रेड कंबाइन,
हुआ है और रेड के साथ में ब्लू का कॉम्बिनेशन बना है। तो दिस फिगर इज ए रिप्रेजेंटेशन, सॉरी दिस फिगर इज ए रिप्रेजेंट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। फिगर से समझ में आ गया, जो मैं बता रहा था वही तो फिगर था, बोलो। हाँ, अब एक एक और कारण है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट समझाने के लिए, वो देखिए क्या है, वो है क्रॉसिंग ओवर। देखिए जब क्रॉसिंग ओवर, और वो भी हम बोलेंगे 100% चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, COC। अब देखिए जरा इसको समझिए ध्यान से, जैसे मान के चलते हैं, देखो तो क्रॉसिंग ओवर की बात तभी करेंगे जब दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हों। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, चलो वाई कर लेते हैं, चलो यहाँ पे वाई कर लेते हैं कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल वाई कर लेते हैं इस पोजीशन पे, यहाँ पे कैपिटल आर कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर कर लेते हैं। बताओ अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, पहले तो क्रॉसिंग छोड़िए, पहले तो डुप्लीकेट करिए इनको, क्योंकि ये डबल हो जाएंगे ना, क्रोमोसोम विल डबल इन एस फेज। तो ये कैपिटल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, देन नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो क्या होगा कि ये इस तरीके का कुछ पिक्चर आपको बनेगा, देखिए कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई कर लेते, इधर आपको कैपिटल वाई कर लेते, ये एक्सचेंज हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो ये कैपिटल हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे स्मॉल एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होमोलोगस नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ये आ गया। तो फाइनली जब एनाफेज फर्स्ट हो जाएगी, तो ये पेयर एक तरफ हो जाएगा और दूसरा पेयर ये दूसरी तरफ हो जाएगा, मतलब ये सेपरेट हो जाएंगे, तो इसके पास होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब फाइनली जब सेपरेट होंगे तो चार गैमेट्स बन जाएंगे, एक गैमेट्स में कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा, दूसरे गैमेट्स में कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर होगा, नहीं सर सॉरी स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर होगा, चौथ गैमेट जो बनेगा वो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर होगा, सॉरी थर्ड फोर्थ जो गैमेट था स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर बनेगा। देखो चारों गैमेट्स बन गए, वही गैमेट जो आ रहे थे यहाँ भी बन गए, वही बोलो बच्चों चारों बन गए, यही गैमेट्स वहाँ भी बन रहे थे जब मैं रैंडम अरेंजमेंट आप बता रहे थे बच्चों, बन गए चारों गैमेट्स, बोलो यस यस ठीक है ओके। तो आप समझिए मुद्दे की बात समझिए, एक कारण तो वो था जो आपने अभी समझा, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स इन ए मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। एक कारण है क्रॉसिंग ओवर, ये ध्यान रखिएगा क्रॉसिंग ओवर तभी मुद्दा हम बताएंगे जब दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हों, अब 100% क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए 100 सेल हैं जो क्रॉसिंग ओवर करने जा रही हैं, तो हर सेल में इन दो पॉइंट के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही जानी चाहिए। परसेंट हमेशा नंबर में लिया जाता है ना, परसेंट एक से नहीं होता है, परसेंट नंबर से, मान लीजिए 100 सेल हैं म्यूसाइट, तो सभी क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 100% क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब दो जीन के बीच में क्या होगी, डिस्टेंटली प्लेस्ड होंगे, मतलब वो जीन क्लोजली ना होकर क्या हो, पहले डिस्टेंटली, तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, डिस्टेंटली प्लेस्ड मतलब ये दो जीन क्लोजली ना हो, अगर क्लोजली हो जाएंगे तो फिर क्या होगा,
फिर क्रॉसिंग ओवर का जो टेंडेंसी है, जो परसेंटेज है, वो कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंटली प्लेस्ड होने चाहिए ना बच्चों, मतलब आपको एक जीन दूसरे जीन के बीच में एक एक डिस्टेंस होनी चाहिए, और उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि 100% चांस आप क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ये बात सबको समझ में आ गया? डिस्टेंटली प्लेस्ड मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? क्लोजली नहीं होना चाहिए, तो है ना, क्लोजली नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर क्लोजली होगा, अगर मान लीजिए कोई दो भी दो जीन क्लोज होंगे, तो फिर क्या हो जाएगी? लिंकेज हो जाएगा। ये थोड़ा समझिए जरा, लिंकेज हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो हमारे जो गैमिट्स बन रहे थे, ये चारों तरीके के जो गैमिट्स बन रहे थे यहाँ पे जो बना रहे थे अभी, ये बराबर बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। अब जरा उस पॉइंट को ध्यान से देखिए, जो पॉइंट लिखा है, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। जरा देखिए, जरा जरा फोकस करिए बच्चों। जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर कोई दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं बच्चों, तो डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक नहीं करेंगे, अनलेस दे आर लोकेटेड सिग्निफिकेंट या सफिशियंट फॉर अपार्ट द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एवरी म्यूटिक डिवीजन। मतलब 100% चांस आप क्रॉसिंग ओवर ना हो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, उसको जरा अपोजिट भी कर सकते हो, मतलब 100% चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी है किसी भी दो जीन के लिए जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, तब हम उनको मान सकते हो इंडिपेंडेंटली एसार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली एसार्ट करेंगे। बताओ कितने लोग ये पॉइंट समझ गए, कितने लोग ये पॉइंट समझ गए? दो जीन इंडिपेंडेंटली एसार्ट कर सकते हैं अगर उनके बीच में एक सफिशियंट क्या हो, सफिशियंट डिस्टेंस हो जिससे वो क्रॉसिंग ओवर कर सके, और क्रॉसिंग ओवर मतलब 100% क्रॉसिंग ओवर कर सके, तो वो एसार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सभी क्लियर हो गया? चलिए चलिए, बस यही यही पॉइंट एक ऐसा था जो थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको मुश्किल पड़ता, लेकिन सभी को समझ में आ गया। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, आपको समझ में आया नहीं आया, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मान के चलते हैं, देखिए जरा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो अगर कोई ये हेटरोजाइगोट है और इसके चार गैमेट्स बनते हैं, चारों इक्वल प्रोपोर्शनल में हैं, चारों इक्वल प्रोपोर्शनल, चार बनेंगे ना 2n से, चारों इक्वल प्रोपोर्शनल में हैं, तो जरा बताइए अगर चारों इक्वल प्रोपोर्शनल में हैं तो आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इंडिपेंडेंट एसार्ट बोल सकते हो ना, इंडिपेंडेंट एसार्ट बोल सकते हो बच्चों। यही यही तो कंसेप्ट है इसका। अगर चारों इक्वल नहीं होंगे तो लिंकेज हो जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो ए और बी, जो ए एंड बी जीन है, वो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे हैं, प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम या प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम? जल्दी बताइए। ए एंड बी जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, मतलब इनकी पोजीशन सेम क्रोमोसोम पे है या डिफरेंट क्रोमोसोम पे है? अब बताइए जवाब क्या होगा आपका। डिफरेंट पे है, मतलब ए और बी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे है ना। ए जो जीन है एक पेयर पे है, बी जीन दूसरे पेयर पे है, डिफरेंट पे है ना। आप देखो, आप लोग एक गलती यहाँ पे कर रहे हो। देखो डिफरेंट पे जो लोग बोल रहे हैं वो भी सही है, गलत नहीं है। देखो डिफरेंट पे बोल रहे हो, तुम जानते हो कौन सा कंसेप्ट आएगा? रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मैटरनल पैटर्नल, ये वाला दो क्रोमोसोम हो गए, ए जीन यहाँ पे, बी जीन यहाँ पे। अगर एक पे हैं, अगर एक क्रोमोसोम पे भी तो हो सकते हैं बच्चों, एक पे हो तो क्या होना चाहिए? डिस्टेंटली प्लेस्ड हो। ए एंड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम व्हाइल डिस्टेंटली, दोनों सही हो गए आपको बच्चे। डिस्टेंटली मतलब हो गया 100% चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बताओ अब आया समझ में? नहीं आया? अभी मैंने इक्वल गैमेट्स बन गए थे ना 100% चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर से, व्हेन द प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन डिस्टेंटली, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो, डिफरेंट पे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कृतिका एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अगर सेम पे करिएगा तो एक टर्म आपको जरूर जोड़ना पड़ेगा, वो कौन सा है? डिस्टेंटली, सेम के साथ ये लगाना जरूरी है। अगर आपने सेम कर दिया तो
तो मान के चलते किसने क्लोजली बोल दिया तो आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। हाँ डिस्टेंटली प्लेस होना चाहिए। डिस्टेंटली हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि 100% जो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो हो जाए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा एक कंपटेटिव पॉइंट था जो आप समझ गए। अब हाँ एक चीज और बताइए जरा, अगर कोई पेरेंट्स है, ये मान के चलिए पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब इस पेरेंट्स में जो अभी जो कॉम्बिनेशन है पेरेंटल का वो ये है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है पेरेंट्स में। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कॉम्बिनेशन तो आएंगे आएंगे, साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन आते हैं जिनको हम बोल देते हो रिकॉम्बिनेंट, क्या बोल देते हो? रिकॉम्बिनेंट। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि रिकॉम्बिनेंट कितने परसेंट होंगे अगर कोई दो जीन इनडिपेंडेंटली असर्ट कर रहे हों। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट व्हेन एनी टू जीन्स आर इनडिपेंडेंटली असर्ट? तो आपका सीधे सीधे आंसर होगा 50%। 50% रिकॉम्बिनेंट। 50% रिकॉम्बिनेंट मीन्स टू जीन्स आर अनलिंक, इसको हम अनलिंक बोल सकते हो। अब अनलिंक में दो चीजें आ जाएंगी बच्चों, सेम पे होंगे तो डिस्टेंटली होंगे या फिर अलग अलग होंगे, बात दोनों बराबर है। इज क्लियर? ये भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वैसे तो आगे जो भी होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। इज क्लियर? चलो तो ये इसी के साथ ही आपका जो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का जो कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट हो बताओ, नहीं तो फिर हम दूसरे चीज पढ़ें, वो है आपका डाई हैबिट टेस्ट क्लास, फिर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ाना है। हमने केवल एक बार बताया था कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो सकता है, वो लेकिन समझा वो उसका डिटेल नहीं किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे थोड़ा टेस्ट क्लास पर नजर डाल लेते हैं, फिर हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की बनेंगे। नो नो सर, ओके ओके कुसुमा, अच्छिता सिंह, ये कहो हम लोग आप ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं तो पता है अच्छिता सिंह, या बाकी लोग जितने लोग भी हैं, अगर केवल ऑनलाइन ही मिले होते तो केवल नाम ही जाने होते। मुकेश, चलो तो हम अब आते हैं डाई हैबिट टेस्ट क्लास। अब पता नहीं क्वेश्चन आपके में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन देख लेते, इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस है इसलिए देखना जरूरी है। देखो जरा ध्यान से, देखो डाई हैबिट टेस्ट क्लास का मतलब सीधा है, अगर आपने मोनो हैबिट टेस्ट क्लास पढ़ा था वहां पे वन जीन कंसिडर करेंगे, अगर कोई क्लास ऐसा हो, ये हो गया एलो राउंड, हेटरोजाइगस एलो राउंड, ध्यान रखिएगा हेटरोजाइगस एलो राउंड क्रॉस विद द रेसेसिव ट्रेट, तो रेसेसिव कौन क्या है, ये है ग्रीन रिंकल, क्या है बच्चों, ग्रीन रिंकल, यही तो है ग्रीन रिंकल है। अब ये डाई हैबिट टेस्ट क्लास हो गया, अब बताइए इसके बनेंगे फोर टाइप ऑफ गैमेट्स, देर आर फोर टाइप ऑफ गैमेट्स, ये बता चुके हैं, अब इसके बनेंगे केवल वन टाइप ऑफ गैमेट्स, वन यहाँ पे बनेंगे फोर टाइप, और वन क्या बनेगा केवल स्मॉल वाइज, क्योंकि होमोजाइगस है ना, तो अब जब गैमेट्स वन टाइप के बनेंगे तो एक काम करते हैं, तो इसको हम स्मॉल वाइज स्मॉल आर से फ्यूज हो जाए, सभी के हम रैंडम मिली फ्यूजन करा देते ना, तो ये जो प्रोजेनी बनेगी, दिस इज ए टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, तो ये बनेगा हेटरोजाइगस, ये बनेगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, दिस इज ए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज ए स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखो ये जो इसका होगा एलो राउंड, ये होगा एलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, बताइए रेशो क्या होगा,
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टेस्ट का प्रोजेनी, तो ये बराबर बराबर है, 1:1:1:1। तो जीनोटाइप रेशियो भी देखो, हर एक जीनोटाइप का अलग अलग फिनोटाइप है, तो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे आएगा 1:1:1:1। दिस इज ए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। बताओ कर लिया सब लोगों ने, दिस इज ए जीनोटाइप रेशियो ऑफ जीनोटाइप रेशियो ये हो जाएगा 1:1:1, और फिनोटाइप भी वही होगा, रेशियो वही आएगा, ये भी 1:1:1:1 होगा ना, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हाँ, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस समझ लो, क्या है इंपॉर्टेंस वो जरा समझ लेते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, हमने हो सकता था कि शायद शुरू हो जाए आज, तो क्या करते हैं ये हम मान के चलते हैं ये आप पर नहीं है। हम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंट ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो पहला है, एक ही है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेक्ट लिंकेज। लिंकेज में दो चीजें, लिंक और अनलिंक, लिंक है या फिर अनलिंक है, ये हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा लिंक मैप कर सकते हैं, लिंकेज मैप, लिंकेज मैप। अब आपको करना क्या है, आप बच्चों पुराने पेपर देख लीजिएगा, क्या आपके पेपर में कहीं पर भी लिंकेज से कोई भी क्वेश्चन आया हो, क्योंकि आपके सिलेबस में लिंकेज कहीं पर लिखा नहीं गया है। एक सीआर सुन रही हो आप लोग, सीआर सुन रही हो, लिंकेज, लिंकेज से कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ा हो प्रीवियस पेपर में, क्योंकि लिंकेज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तभी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें दो तरीके। सर अभी फिलहाल तो पेपर्स मिल नहीं पा रहे हैं, मुझे सीनियर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको उन्हें भी प्रमोट किया गया था, तो उनके पिछले वाले बैच से फिर पेपर लेने पड़ेंगे। बड़ा प्रमोट वाला, चलो अगर जितना हो जाए, मतलब मुझे बाद में भी अगर पता चल जाएगा तो वैसे हाँ। अभी हम सिलेबस को देख के पढ़ा लेते हैं। ओके ओके, हाँ बाद में हम अगर होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक नेट पे अवेलेबल नहीं होता, आप लिंकेज मैप चेक कर सकते हो लिंक है या नहीं, क्योंकि जानते हो क्या होगा, जैसे अगर लिंक होगा तो ये रेशियो डेबिट हो जाएगा, मतलब इसका थोड़ा सा देख समझ लीजिए, जो रेशियो है डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या था, रेशियो डेबिट होगा, रेशियो क्या है 1:1:1:1, ये कौन सा रेशियो है, हालांकि ये फिनोटाइप रेशियो भी है जीनोटाइप रेशियो, डेबिट दोनों होंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा जीनोटाइप रेशियो डेविएट होकर के तब डेविएशन आता है फिनोटाइप में, लेकिन ये डेविएशन हमको जो दिखाई पड़ता है, दिखाई तो फिनोटाइप ही पड़ेगा ना बच्चों, तो रेशियो डेविएट होगा, डेविएट कैसे होगा, डेविएशन की बात कर लेते हैं, डेविएट होगा अगर लिंकेज होगी, तो देखिए जरा डेविएशन में क्या हो सकता है 1:1 आ जाए, अगर 1:1 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, यही तो समझने वाली बात है, कंप्लीट लिंकेज, अगर 1:1 होगा तो मतलब एक अगर रेशियो 1:1:1 जहां पे आ रहा था 1:1 हो जाए, मतलब दो ही फिनोटाइप आए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, तब हम क्या मानेंगे उसको कि कंप्लीट लिंकेज है, और कंप्लीट लिंकेज मतलब जानते हो क्या हुआ, इनडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे ना, और अगर रेशियो 1:1 जो है ये डेबिट होकर ऐसे हो जाए 1:7:7:1 या फिर 7:1:1:7, इसका मतलब ये है कि बनेंगे चारों फिनोटाइप, लेकिन उन चारों फिनोटाइप का जो रेशियो है 1:1:1:1 ना होकर के ये रेशियो किसी भी अलग अनइक्वल होकर के 1:7:7:1 या 7, तो इस तरीके की लिंकेज को हम लोग बेटा बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। अब जब आप अगर हम पढ़ाएंगे लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि लिंकेज बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा है और बहुत मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन आपके सिलेबस में अभी पता नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कम से कम डाई हैबिट टेस्ट क्रॉस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझ गए अच्छी तरीके से, डिटेक्ट द लिंकेज, लिंक और अनलिंक, लिंकेज मैप कर सकते हो, लिंकेज मैप का मतलब समझ लीजिए ध्यान से क्या होता है, लिंकेज मैप का मतलब होता है जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट टू मैप यूनिट, मैप यूनिट मतलब सेंटीमार्गन में
टीएस मार्गन ने दिया था, मान लीजिए अगर 10% रिकॉन फ्रिक्वेंसी आ जाती है, हालांकि 50 आती है तो 50% पे क्या होता है, अनलिंक होता है। 50% में हमने बोला था ना, अभी आप लोगों ने बोला था ना 50% आती है ना इंडिपेंडेंस ऐड करेंगे, 50 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, और 50 से कम होगी तो लिंकेज हो जाएगा। मान लीजिए 10% रिकॉन फ्रिक्वेंसी आ रही है तो 10 मैप यूनिट मानते हैं, तो हम लिंकेज मैप भी कर सकते हो किसी दो जीन के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी। ये किसका आइडिया था बच्चों, ये था टीएस मार्गन का। चलिए तो आज इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे, आपके साथ मिलेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ठीक है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आपका सिलेबस में है। अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे आगे, हमको एक फ्लो मिल गया है, हमको देखो हम जब तक जेनेटिक्स में मेंडल नहीं पढ़ा लेते हैं तो ना तो हम आगे कोई चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ना हम बच्चों को भी बीच बीच में कोई टॉपिक समझाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं कंप्लीट है तो आप जेनेटिक्स में कुछ भी समझ नहीं पाओगे। सिलेबस थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखा जाए गलत फ्रेम किया गया है, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कहीं से कोई भी चीज बीच में पॉपुलेशन जेनेटिक्स उठा लिया है, कहीं से वो जीन इंट्रैक्शन उठा लिया है। आपको देखो एक लिखा है एलील, एलील लिखा है, फिर लिखा है जीन इंट्रैक्शन, फिर लिखा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट हम पॉलीजन में बात करेंगे, ठीक, फिर भी हम कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है। चलो तो ये आज की क्लास हुई, हम लोग कल मिलेंगे, कल क्या मतलब नेक्स्ट जो जब टाइम पीरियड होगा उसमें मिलेंगे, ठीक है। अटेंडेंस लेकर ले लीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलो।